गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम प्रतिदिन सुबह 7:15 पर करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए प्लीज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सीएल कैरियर एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अन्य लोग भी लाभ उठा सके, और आपके एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला काफी अधिक बढ़ेगा। तो आप ये जरूर करिए, इसको लाइक जरूर करिए और हमारे YouTube पर सारे वीडियोस देखिए। ये कंपोजिट कोर्स हमारे पूरे YouTube टीम जो इस पर चला रही है, चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग एक्सपर्ट के द्वारा, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट के द्वारा, जीके एक्सपर्ट के द्वारा, हरियाणा एक्सपर्ट के द्वारा, इंग्लिश और साइंस एक्सपर्ट के द्वारा, यहां पर सभी कोर्स, सभी सब्जेक्ट उस पर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप देखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से हमारे सीएल कैरियर एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए, वहां से डाउनलोड करिए। और आपको सभी एग्जामों की तैयारी, एसएससी, एचएसएससी, एचसीएस, यूपीपीएससी, सुपर ट्रिपल एससी, एमपी, राजस्थान, इन सब के तमाम एग्जामों की तैयारी आप उस पर घर बैठे कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, एक साल 999 रुपए में पढ़ सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड जरूर करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। चलिए आज का करंट अफेयर्स के साथ हम देखते हैं पहला प्रश्न, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये किया गया है पणजी, गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी, वहां किया गया है। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में और बातें जानते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों द्वारा नवाचारों का उपयोग करना और ऐसी तकनीक विकसित करना जो जनता के लिए सस्ती हो, इसीलिए महोत्सव मनाया गया है। इसका विषय क्या है विज्ञान, इसका आजादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना, ये आप इसका जरूर जो है थीम याद रखिएगा। थीम बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन सब चीज का। भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में आईआईटी दिल्ली में मनाया गया था। गोवा के बारे में जानते हैं, गोवा की राजधानी है पणजी, इसका स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को, गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या नाम है, डाबोलीम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है डाबोलीम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह भी याद रखिएगा। और गोवा की जो महत्वपूर्ण नदी है उसको भी याद रखेंगे आप लोग, और गोवा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किस बीमा कंपनी ने भारत में फील्ड हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हैश केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया, एक अभियान शुरू किया है हैशटैग केयर फॉर हॉकी, तो किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा यह शुरू किया गया है। डी इज द राइट आंसर। हैशटैग केयर फॉर हॉकी अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है, इसका उद्देश्य भारत में हॉकी को बढ़ावा देना और साथ ही साथ हॉकी के विकास को जमीनी स्तर से समर्थन देने के लिए यह हैशटैग केयर फॉर हॉकी शुरू किया गया है। इस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के साथ साझेदारी की है, जो अभियान की चेहरा होंगी, ये इस अभियान का चेहरा होंगी, इनको आगे रखा जाएगा। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में मुख्यालय पुणे में है। ये ध्यान रखेंगे, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्टली आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है ये। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका और किस देश के बीच हुआ है, दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका और किस देश के बीच हुआ है, तो भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास हुआ है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच द्विवर्षीय
त्रिपक्षीय अभ्यास, द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास जो है हुआ है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसको कहां आयोजित किया गया, मालदीव में आयोजित किया गया है। यह शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा गठन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। यह तीन देशों के तटरक्षक सेनाओं के बीच जो तटों की रक्षा करते हैं उनके बीच आयोजित किया गया है, मालदीव में आयोजित किया गया है। अभ्यास का नाम क्या है, दोस्ती भारत श्रीलंका और मालदीव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, टाइम मैगजीन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ये देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। टाइम पत्रिका ने किसे 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन अमेरिका की पत्रिका है टाइम, सिमोना बाइल्स जिमनास्ट है, इनको जो है चुना गया है। और सिमोना बाइल्स अमेरिका की एक बहुत ही प्रसिद्ध जिमनास्ट है, टाइम पत्रिका ने इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। सिमोना बाइल्स अमेरिकी कलात्मक जिमनास्ट है अमेरिका की, ध्यान रखिएगा, टाइम ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, खेल पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की मंजूरी दी है या घोषणा की है या प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है ये कि महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाएगी, पुरुषों की 21 वर्ष ही है, महिलाओं की 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाएगी। और यह पिछले साल एक समिति गठित की गई थी जया जेटली की अध्यक्षता में, तो जया जेटली की अध्यक्षता में समिति जो थी उसने ही यह सिफारिश की थी कि महिलाओं की उम्र भी जो शादी की है वो बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। नीति आयोग ने जया जेटली की अध्यक्षता में साल 2020 में बनी समिति से इसकी सिफारिश की थी, नीति आयोग ने बनाया था जया जेटली की अध्यक्षता में यह समिति पिछले साल 2020 में। इससे पहले 1978 में महिलाओं की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की थी, 1978 में बढ़ाया गया था और कब से 15 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। वर्तमान में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए भी अब प्रस्ताव को मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कि 18 से 21 कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के मनाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगादक तेल गी खोरलो से सम्मानित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान नगादक पेल गी खोरलो से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भूटान, भूटान ने यह सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया है। भूटान की राजधानी कहां है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू भारत का पड़ोसी देश है। यह सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के लिए दिया गया है। भारत और भूटान का मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी के समय में हुआ, इसीलिए दिया गया है। नरेंद्र मोदी को और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, थोड़ा एक नजर पर डालिए, उनको बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं। अब्दुल अजीज अल सऊद जो पुरस्कार सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह नरेंद्र मोदी को मिला है। गाजी अमीर अमुल्लाह खान, ये जो अफगानिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है वो मिला हुआ है। फिलिस्तीन राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर, फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी को मिला है। आर्डर ऑफ द जायद, संयुक्त अरब अमीरात यूएई का जो सबसे बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है। निशान इजुद्दीन मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान है, वो नरेंद्र मोदी को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी को मिला है, रूस का सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी को मिला है। इस तरीके से सारे सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है।
भूटान की राजधानी थिम्पू, पीएम है लोटे शेरिंग, मुद्रा है निंगुल ट्रम, भूटानी निंगुल ट्रम जो है वहां की मुद्रा है। भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? भूटान की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। भूटान की सीमा भारत के चार राज्यों से लगती है, ये याद रखिएगा। राज कपूर किताब है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक लिखा है राहुल रवेल ने, ए इज द राइट आंसर, राहुल रवेल ने पुस्तक लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके परीक्षा में अवश्य आएगा। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस राहुल रवेल की पुस्तक को लॉन्च किया है। उपराष्ट्रपति ने, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फला पुस्तक का इनॉग्रेशन किसने किया, तो यह किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना गया है? 8 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो देश के पहले सीडीएस थे, बिपिन रावत की मृत्यु के बाद उसका पद खाली हुआ था, तो कार्यकारी रूप में मनोज मुकुंद नरवणे को कार्यकारी रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे को ये तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि नए सीडीएस को नियुक्त नहीं कर लिया जाता। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यह पद रिक्त था। मनोज मुकुंद नरवणे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति तक पद पर रहेंगे। नरवणे को प्रभार दिया गया है क्योंकि यह तीनों सेना में सबसे वरिष्ठ हैं, इसीलिए इनको दिया गया है। भारत में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, इनकी नियुक्ति अभी हुई थी, ये नौसेना का प्रमुख है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के चीफ है और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के प्रमुख है। तीनों याद रखिएगा, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के चीफ, इसको लिख लीजिएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह घोषित किया गया कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, भी याद रखिएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में विशेष, अल्पसंख्यक के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इसलिए यह अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1978 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। इसे बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बना दिया गया और इसके तहत कानून के रूप में 1992 में यह पारित कर लिया गया। तो इस तरह से भारत में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अल्पसंख्यक आयोग बन गया है और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है कानून बनाकर, लेकिन हमारे संविधान के द्वारा धार्मिक और भाषाई दोनों ही अल्पसंख्यकों को मान्यता दिया गया, लेकिन सरकार ने सिर्फ धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देने के लिए कानून बनाया है। तो इस तरीके से इन सारे प्रश्नों को पढ़िए, लिखिए और इसको लिख लिया करिए, इसके जो फैक्ट हैं ये आपके परीक्षा के लिए, स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह 7:15 पर नए करंट अफेयर्स के तहत, और आप इसको डेली बेसिस पे देखा करिए, हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक जरूर करिए प्लीज। चलिए कल मिलते हैं सुबह 7:15 पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।